Now dear, very important topic, vector and scalar. Yeah, scalar and vector. हिंदी में बोलते हैं इसको अदिश एवं सदिश. एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, और इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्वेल्थ में अगर मैथ लिए होंगे आप, मैंने इलेवेंथ में मैथ होगा तो ट्वेल्थ के मैथ में इसे 12 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है, तो उसका भी बेस मतलब न्यू यही डलाता है. ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको. देखो अदिश कहो या सब दिश कहो, उसमें दिश लगा हुआ है. दिश जो लगा हुआ है वो क्या है? दिश मतलब अंग्रेजी वाला दिश मतलब यार नहीं है, दिश मतलब दिशा. अब दिशा का मतलब क्या होता है? जैसे दो बात हम बोल रहे हैं. एक लड़का बोल से मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा घर किधर है? कहा कि सर मेरा घर यहां से 20 किलोमीटर है. दूसरा उसी गांव का लड़का था, वो बोला कि सर मेरा घर 20 किलोमीटर पूरब में है. दोनों में अंतर है. एक सिर्फ 20 किलोमीटर बताया तो अधूरा जानकारी दिया. अगर 20 किलोमीटर का है तो कहीं कोई जा पाएगा उसके घर में? लेकिन जब ही बोलता है कि मेरा घर 20 किलोमीटर पूरब है तो उसने दो बातें कही, एक तो 20 किलोमीटर कहा और एक पूरब है. तो जो पूरब कहा वो दिशा है और जो 20 किलोमीटर कहा वो परिमाण है. परिणाम नहीं है, परिमाण है. दोनों में थोड़ा बड़ा अंतर होता है. परिणाम का अंग्रेजी होता है रिजल्ट, लेकिन परिमाण जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ना है उसका मतलब होता है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड. क्या होता है जी? तो पहला जो बोला उसे परिमाण बोला, और दूसरा जो बोला वो परिमाण और दिशा दोनों बोला. तो जो पहला बोला वो दिशा नहीं बोला, जब दिशा नहीं बोला तो वो अदिश हो गया. क्या हो गया जी? अदिश. और दूसरा दिशा बोला तो सदिश हो गया, दिशा के साथ हो गया. तो हमारे भौतिकी में जितने भी राशियां हैं वो तो या तो सदिश है या तो अदिश है. इस चैप्टर में सदिश अदिश के बारे में पूरा जानकारी लेना है हम लोग को. सबसे पहले हम लोग जानेंगे अदिश राशियां क्या है. ओके, तो ये तो पक्का तय हो गया कि जिसमें दिशा नहीं हो सिर्फ परिमाण हो वो क्या जी? तो अदिश राशि. तो अदिश किसे कहते हैं? अदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या है क्वेश्चन में पूछेगा तो जस्ट यही लिखेंगे हम लोग. वैसी लिखते रहिए, वैसी भौतिक राशियां या वे भौतिक राशियां भी लिख सकते हैं. वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है. सॉरी, जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है. फिर से, वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं. इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव डायरेक्शन. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो इज कॉल्ड या आर कॉल्ड स्केलर्स. एग्जाम्पल लिख लीजिए, दूरी चाल कार्ट ईटीसी कार्ड एटीसी. अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो हम लोग को पढ़ना है मेन स्केलर के बारे में ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि उसमें दिशा है ही नहीं. हम लोग को मेन पढ़ना है वेक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो सदिश. अब देखिए सदिश क्या है. चाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्पीड. गाड़ी के पीछे हमेशा देखे हुएगा कि स्पीड लिखा रहता है. क्यों? गाड़ी का दिशा नहीं है क्या? नहीं है. अरे गाड़ी कलकत्ता भी जा सकता है, मुंबई जा सकता है, पटना जा सकता है, आपके मामा घर भी जा सकता है, उनके भैया से ससुराली भी जा सकता है, ड्राइवर दारू पी लिए तो पुल के नीचे भी जा सकता है. डायरेक्शन ऑफ बस इज नॉट फिक्स्ड. इसलिए उसमें हमेशा देखोगे कि
वेग नहीं निकल रहा था, क्या होता है स्पीड। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, अब वेग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा सदिश है, ठीक है। तो अब सदिश किसे हो गया, सदिश दिशा भी साथ में हो, तो वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं जी, तो सदिश बोलते हैं। दिशा भी होगा जैसे 10 किलोमीटर पूरब, तो 10 किलोमीटर जो हुआ वो परिमाण हुआ मतलब मैग्नीट्यूड हुआ, और जो पूरब हुआ वो क्या हुआ, तो हमारा दिशा हुआ। दो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ओके, तो देखिए वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं, सदिश। अब देखो तो क्या क्या है, कुछ एग्जांपल दे दो आप। विस्थापन, क्या जी, विस्थापन इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन बल फोर्स एंड एक्सेट्रा एटीसी। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सदिश को निरूपित कैसे करते हैं। ये तो मान लो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लोग कागज पर वहां पर एग्जाम में तो कागज पर लिखना पड़ेगा ना। yes, तो कैसे निरूपित करेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण जैसे सोडियम को अब कोई कहेगा तो सोडियम ला के नमक ला के ना किताब पर रख जाए केमिस्ट्री किताब पर, वहां तो एरे लिखना पड़ेगा। yes, क्या तो उस तरह से हम लोग को कैसे निरूपित करेंगे सदिशों का निरूपण इन इंग्लिश लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखो कैसे निरूपित करते हैं। अब जैसे देखना है ये ए मतलब मान लो आपका घर है, ठीक। अब मान लो ये एस मतलब सर का घर है जहां पढ़ाई करते, बीच की दूरी 15 किलोमीटर। तो क्या है 15 किलोमीटर, परिमाण है कि दिशा है, मैग्नीट्यूड है। तो ये सदिश तो हुआ नहीं, सदिश में दिशा के साथ, इसमें कोई दिशा में जाइए, अरे आपके घर से सर के घर है, सर के घर से अपने घर, सब तो 15 होगा। लेकिन जेमी को ऐसे एरो मार देता है किसी लाइन के किसी रेखा के अगर अग्रभाग में, अगर मतलब आगे वाले में अगर एरो मार दिया जाता है तो समझिए कि उस सदिश को निरूपित करने लगा, मतलब इसमें दिशा है कि ए से एस की तरफ, ए से एस की तरफ। हो सकता है ये वन वे रूट होगा, मतलब खाली एन ए से जा सकते हैं, बाकी एन ए से जाने में रोड बदल के जाना है आपको, सरल बहुत रहता है। रोड जब बदल के जाना होगा तो 15 किलोमीटर नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये बोलता है आपसे कि ये हमारा जो है किसी भी रेखा के यदि आगे वाले भाग में एरो लगा देते हैं तो वो सदिश को निरूपित करने लगता है, मतलब ए से ये एस की तरफ। और उसको लिखते कैसे हैं, ए लिखकर एस लिखकर और ऊपर में ऐसे एरो मार देते हैं, जिसका मतलब होता है सदिश ए एस या वेक्टर ए एस, सदिश ए एस। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप कि ए एस बराबर खाली ए एस बराबर 15 किलोमीटर। एस जैसे आपका क्या, आपका आप क्या, आप कौन है, कोई पूछेगा आप कौन है बताइए, आप कौन है, मोहित नहीं है आप, आपका नाम मोहित है, आप कहाँ मोहित है, आप कौन है, तो आपके अंदर में क्या चीज गुण है। जैसे मेरा नाम यूएस है, मैं यूएस नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं वो हूँ जो यहाँ से निकल रहा हूँ आपके दिमाग में घुस जा रहा हूँ, बिना छेदा के जगह में घुस जा रहा हूँ। मास्टर का काम बड़ी टफ होता है, जब बचपन में बच्चे होते हैं तो माँ तो वहां घुसाती है जहाँ छेदा है, लेकिन शिक्षक तो वहां घुसाते हैं जहाँ कोई छेदा ही नहीं है। मैं वो तो अब ये ए एस 15 नहीं है, ए एस का परिमाण 15 है, नहीं समझ पा रहे, ए एस की लंबाई 15 है जी। तो परिमाण को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मॉड लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, मॉड। तो इसको पढ़ेंगे कि ए एस का मापांक, हिंदी में बोलते हैं मापांक, मापांक का संधि विच्छेद करोगे तो होगा माप जोड़ अंक, और उसका माप जो है अंक में क्या है। आपसे कोई पूछ सकता है इंटरव्यू में
कि आपका मापांक क्या है। तब दिमाग में लगाओ कि अपने बाबूजी के नाम जान ली, भाई की जान ली, फूफा की जान ली, फूफा की जान ली, लेकिन मापांक क्या नहीं जान ली। मापांक माने आपकी लंबाई पूछ रहा है, तो जितना होगा उतना बता दीजिएगा। तो एस की लंबाई, एक्स का परिमाण कितना है, दो। अगर ऐसे कोई लिख दे रहा है एस 15, कोई कहेगा कि सही है कि गलती है, बोला फॉल्स है भैया, एस 15 नहीं है, एस का परिमाण 15 है। मैं मोहित नहीं हूँ, मेरा नाम मोहित है। yes, मैं क्या हूँ तो पता चलेगा, छेड़ के देखिए बस मेरा। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन का फैक्टर। एक बात और जान जाओ, अगर इनमें से कोई कहे ऐसी लाइन मार दे, आपका घर है किसका है, अब मान लो इन्हें मार दिए, अब कहेगा कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे एक तो एस लिखे, एक क्या लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे, क्या ए और एस लिखे पीछे में लाइन मारेंगे इसे, नहीं पीछे नहीं, मैं हमेशा जब भी मारते हैं तो आगे की तरफ मारते हैं, पीछे मारते होगा नहीं। तो ये हमारा तरीका क्या होगा जी, तो गलत तरीका होगा। कैसे मारेंगे बोलो, एस लिखेंगे, ए लिखेंगे, आगे की तरफ मारेंगे। अभी बताओ ध्यान रखना, एन ए से एन ए परिमाण तो बराबर है। जैसे कोई पूछेगा क्या सही है, ए एस का परिमाण और एस ए का परिमाण सही है, जब सही है लंबाइया तो वही है, जब वह रोड से गया है तो परिमाण तो सही है लेकिन दिशा क्या आई तो विपरीत है। यानी कि ए एस ऐसे सही है, ये ट्रू है, ट्रू माने सही, लेकिन अगर ऐसे कोई लिख देगा तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो फिर सही कैसे होगा, फॉल्स सही कैसे होगा, तो ए एस बराबर माइनस एस ए होगा तो सही हो जाएगा। अरे भैया टेंथ क्लास तो पढ़े हो ना, आओ मैथ में आ जाओ। मूल बिंदु से इस दिशा में, जैसे इन्हें मान लो जितना दूरी पर वन है तो उतना दूरी पर ये वन ही होता है, लेकिन माइनस लगाते हैं, लंबाइया वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाने पर इधर वाला में क्या लगा देते हैं, तो माइनस। तो ये इधर वाला में यही है लेकिन क्या है, तो माइनस। बस मैं ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एंड नाउ डियर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर के प्रकार हैं। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश है, एक रैखिक सदिश है, इक्वल वेक्टर है समान सदिश है, समतलीय सदिश है। इसमें पहला हम बता रहे हैं आपको एक रैखिक सदिश, तो वैसे सदिश जो एक ही रेखा पर हो। देखिए बहुत सारे सदिश हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है, ये सभी सदिश क्या है, तो एक रैखिक सदिश है। इसमें एक नियम याद रखिएगा, बस एक मिनट रुक जाइए आप लोग। इसमें नियम याद रखिएगा कि अगर इससे मान लो ए बी या बी सी है तो एक ही रेखा पर कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। हो सकता है ए बी का दोगुना ए सी हो जाए, हो सकता है ए बी का 2/3 ए सी हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है ए सी का आधा ए बी हो जाए, तो ए सी का आधा हो या कुछ भी हो तो उसमें आधा की जगह पर के लगा देते हैं, क्या जी के। अभी के की जगह पर आधा हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो के की जगह पर कोई भी नियतांक हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, बस मेरा। अरे एक ही परिवार में है तो कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, दोस्ती का भी हो सकता है, मान लो कुछ नहीं लगते हैं, एक घर में रहते हैं, दोस्ती हो गया तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, के मतलब धनात्मक भी हो सकता है, के ऋणात्मक हो सकता है, के फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जब भी हम लोग को कोलिनियर प्रूव करने के लिए अगर कभी कहेगा तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ए बी बराबर कोई संख्या इंटू ए, कोई भी फैक्टर जितने भी हैं, जैसे मान लो ए डी है, कोई बोल दो ए डी जो होगा, हो सकता है बी सी का चार गुना हो, मे बी 1, 2, 3 तो ही है लेकिन हो सकता है चार गुना हो जाए, तो मैंने कोई भी संख्या होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकता है। ये हम लोग को जब भी प्रूफ करना होगा, अगर कोई कहे कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी दो समांतर एक रैखिक सदिश है, क्या करेंगे, ए बराबर के इंटू बी प्रूफ करेंगे हम लोग। ये हमारा फर्स्ट प्रकार है। इसके बाद सेकेंड प्रकार, समतलीय सदिश, और ट्रिज्म।